Perspectives and perceptions चैनल पे आपका स्वागत है नमस्कार मैं हूँ पीवी फ्लावर और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एंगर के बारे में एंगर मतलब गुस्सा क्रोध क्रोध अभी आ, का गिव अप करके रिकॉर्डिंग है यूट्यूब में शायद पता नहीं कि वो टेप वगैरह का रिस्टोर किया गया था और चार घंटे का साढ़े चार घंटे का है और तुमने साढ़े चार घंटे सुने हाँ ड्राइव कर रहा था तो कुछ और था नहीं तो टाइम तो था ही ड्राइव इतना ट्रैफिक में चार चार घंटे इनफैक्ट चार घंटे तो कंटिन्यूस सुन नहीं सकते वो भी बोरिंग हो जाता है अच्छा तो कभी कभी ऐसे ही चेंज करने के लिए सुन रहा था तो लास्ट फोर्टी फाइव मिनट्स में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ है ऐसे वैसे तो बहुत सारे यूजी के वीडियो और ये सब देखे हैं कि, कि कभी लगता है कि वही चीज़ बोलते रहते हैं ना ही हिंस से मैं वही दो तीन चीजें बोलता हूँ हमेशा करके उन्होंने बताया था बट स्टिल कुछ ना कुछ मिल जाता है कि अरे ये क्या उसमें उन्होंने बताया कि एंगर का उन्होंने एक टॉपिक लिया और बताया कि एंगर गुस्सा जो है शुरू होता है पेट में फिजिकली

तुम actually body को तुम को अगर गुस्सा होने देते हो एंगर वो फील करता है अगर, तो बॉडी कुछ फिगर आउट करके वही डिसिपेट करता, उसको. Body करता उसको. So, uh, है उसको बॉडी ही खुद टेक केयर करता है उसको तो इंटरेस्टिंगली रिलेशन है कि नहीं हमारे यहाँ जो है खड़ा में एक फ्रेज यूज करते लोगी लोग मतलब कि पेट में जैसे जल रहा है कुछ वो जलसी के लिए बताया जाता है जलसी और एनवी जैसे किसी को देख के कुछ क्या बोलते जलन हो रही है हाँ, जलन हो रही है तो हाँ। जलन उसमें एक्चुअली वैसे नहीं है देखो वो वाला इमोशन भी वहाँ नहीं है लिटरली वो ऐसे नहीं है एकदम से हिट हुआ कि देखो जलसी को हिंदी में जलन बोलते हैं हाँ। जलना।, जलना 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 का मतलब है की तुम अपने को ही डिस्ट्रॉय कर रहे हो जलस विल बर्न यू मीनिंग इट विल डिस्ट्रॉय यू वही मतलब हुआ ना उस, उसी से मुझे याद आ रहा है कि देखो वही तुमने क्या हमने उसको आइडिया बना डाला है जैसे उसको कि वो जलेगा ये होगा दैट्स ऑल मेटाफोरिकल हो गया ना लेकिन वो सिंपल वो बता रहे थे कि ये सब सिंपल शुरू हुआ है फिजिकल एक्सपीरियंस है फिजिकल मैनिफेस्टेशन जैसे वो स्टिमुलस हुआ एंड हाँ। तुम्हें सच में जलसी हो रहा है तो जलन मचना चाहिए जल, मतलब बॉडी में फील होना चाहिए ऐसे मैंने समझा उसको अच्छा। कि तुम होने ही नहीं देते हो क्योंकि ट्रेनिंग हो चुका है इतना सारा हाँ। कि तुम उसको कन्वर्ट करके कुछ माइंड लेवल में उसको प्रोसेस करके बॉडी को चांस ही नहीं देते हो उसको बाहर फेंक देते हो कैसे फेंकते हो जैसे उन्होंने बोला कि तुम्हारा गुस्सा निकालने के लिए कहीं कहीं टेक्निक्स आया है कि पिल्लो को लेके पीटो या अपने बीवी बच्चों को पीटो चिल्लाना भी पिल्लो में चिल्लाना हाँ अच्छा तो रिएक्शन बोल रहे हो तुम तो? रिएक्शन वेंट, हाँ। अच्छा, वेंट वेंट आउट 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 बोलते हैं ना अच्छा एक्ट मतलब उसको वही आक रहने हाँ। नहीं देते हो, वो हाँ। इवन बिफोर वो रह बात करते हूँ ऐसे मुझे लग रहा है वो ये बोलने की कोशिश करते हैं जब शुरू होता है गुस्सा तो उसका फर्स्ट इफेक्ट फील होगा जो जलन वाला पेट के अंदर वो बता रहे थे वो मुझे कभी नहीं हुआ है मे बी बच्चों को होता है आई डोंट नो हाँ, कि मुझे नहीं कभी नहीं हुआ है एंड ऐसी मुझे हमेशा ऐसा ये बोगस लगता है जो मेडिटेशन वगैरह में बोलते हैं फील इट हियर बॉटम ऑफ द ये बॉटम ऑफ द मुझे लगा क्या फील करूंगा मैं कुछ नहीं फील हो रहा है एक बार पूछा भी मैंने बगल वाले से एक बार तुम्हें कुछ हो रहा है क्या मुझे कुछ नहीं हो रहा है पेट के? <laughs> <इशा> <laughs> तो उन्होंने इग्नोर कर दिया मुझे ईशा ईशा में में हो रहा था ना वो सब बोल रहे थे कुछ तो यहाँ पर पेट के अंदर से यहाँ नाभि के नीचे और ये सब यू कैन फील तो मुझे लगा कि मुझे तो कुछ हो नहीं रहा है मैंने वो ग्रुप बिठाया था ना उन्होंने मुझे नहीं हुआ, तुम को हुआ क्या <laughs> तो सब इग्नोर करके आगे बढ़ गया है। <laughs> <laughs> तो वॉट एवर प्लस वो हो सकता है बट बात बात मुझे नहीं हुआ है अच्छा। तो वो वाला गुस्सा वो जो बोल रहे थे मुझे लगा कि ये क्या है भाई मुझे तो ऐसे नहीं तब नोटिस किया कि एंगर इज वन थिंग बस राइट एंगर एक इमोशन है जो फीलिंग जो है बट इमोशन का इतना ज्यादा हो चुका है कि इमोशन हमेशा थाट लेवल में ही प्रोसेस करते हैं हम लोग बॉडी लेवल में इमोशंस होता ही नहीं है जैसे कुछ होता है तो शायद होता है जो हार्ट ब्रेक वाला जो सिम्टम है हार्ट लिटरली ब्रेक्स मैंने सुना है हाँ, बहुत दुख होके है जो yep. और एक और आउट ऑफ कॉन्टेक्ट में थोड़ा कि यूजी ने ये बताया था कि थामस प्लान वाला एक्टिवेशन हुआ तो इट्स लाइक ए फीलिंग का मतलब कि कुछ थर्ड की तरह है वो जैसे कि अच्छा। बेसिकली ये बताने की वो कोशिश कर रहे थे जैसे ये जो एक छुई मुई जो प्लांट कुछ रहता है ना तो ऐसे कर देता है वो उतना ही है उसमें लेकिन तुम उसको होने ही नहीं देते हो तुमने वही किसी और डाइवर्ट कर देते हो उसको आने से पहले ही इस तरफ डाइवर्ट करके कहीं और भेज रहे हो और उसमें कहानी बन चुका है इतना सारा और उस कहानी के बजाय कैसे रिएक्ट करना ही सोसाइटी ने बोल दिया है कैसे रिएक्ट करना है और ये भी बोल दिया कि ऐसे रिएक्ट करो

हाँ ना गुस्से में शराब <coughs> गुस्से में शराब देना गुस्सा वाला जो श्राप देने वाला जो है आ, उसका यूजी का कुछ और आ, कुछ एक कहानी मैंने सुना था ऐसा कि उनको शराब दे दो क्या करके शराब दे, दे गुस्सा आया था अच्छा किसी पे हा, हाँ करके, ऐसे किसी और को मे भी सीरियस नहीं थे वो यू नेवर हाँ। तो बहुत सारे कहानी है दो तीन जगह उसको सुना हुआ है। वो कुछ बहुत वगैरह करके कुछ कर रहे थे फिर उन्होंने गुस्से में जाके कुछ उड़ता हुआ कुछ था उड़ रहा था चिड़िया हाँ तो उसको ऐसे कुछ श्राप टाइप देके वही जला दिया अच्छा तो ये इतने गुस्से वाले थे वहां गए और किसी से भीख मांगने भीख नहीं वो वॉड भिक्षा भिक्षा वही तो भिक्षा मांगने वो गए किसी के घर में वो हाउस वाइफ आ नहीं रही है क्योंकि वो अपने पति के सेवा में अच्छा तो उसको लगा ये मेरा काम है मैं कर रही हूँ आती हूँ रुक जाऊ तो देर हो गई उसने ल, औरत ने उसको बोला तुम क्या करोगे गुस्सा होकर जैसे चिड़िया थोड़ी हूँ मैं कि तुम जला जला दोगे करके उसको पता था अच्छा तो वो बताया गया कि वो ज्यादा अकम्पलिश थी क्योंकि अपना काम कर रही थी वो की तरह नहीं कि कुछ से ये किया है और एरोगेंट एरोगेंट है तो मोस्ट कॉमन हम क्या कर रहे हैं किसी को ट्रांसफर कर दे रहे हैं उसको गुस्सा अच्छा। वो पेन आने से पहले ही क्योंकि शायद गुस्से से पेन आता है अच्छा, और वो बॉडी हैंडल करता है उससे पहले ही उसको ट्रांसफर करके किसी को लेके पीट दो किसी को कुछ ये कर दो और शायद अभी मुझे हिट हुआ कि सप्रेस एंगर को डिप्रेशन बोलते हैं कई लोग कि एंगर एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो तो डिप्रेशन

वो पहले जॉब ऑन से लेके किसी को मारा है वो स्टोरी शायद इससे है ना बाइबल वाला कुछ स्टोरी है, है दूरदर्शन में वो कुछ आता था शुरू में तो मैंने देखा हुआ है अपने भाई को मारता एक लड़का ऐसे कुछ तो है शायद उसके बारे में था जॉब ऑन वाला कि पता नहीं जॉब ऑन मतलब उससे कुछ फर्स्ट टूल यूज किया गया था करके बट वो उसका भी रेफरेंस दे रहे थे बेसिकली केवमैन ही है सब लोग ही केवमैन ही है उतना है। ही है वैसे ही रिएक्ट करोगे तुम और एक और चीज उन्होंने बताया उसमें याद आ रहा है की एनी बड़ी कोई भी हो इफ यू आर पुष्ट टू द कॉर्नर जो आपको घेर लिया गया चारों हाँ, चार गया। गया गया तो ऐसे ही रिएक्ट करोगे तुम कोई भी हो हाँ ना सबका रिएक्शन सेम ही रहेगा कोई वहां डायलॉग तो नहीं करेगा वही है कोई भी जानवर को भी जैसे करो तो वो अटैक ही करने आता है तो हम भी वही करेंगे तो ये ह्यूमैनिटी के चक्कर में ह्यूमन वाला डेफिनेशन जो बना के उसको जो मॉरल मॉरल नहीं जो आइडियल 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 right. क्या होना चाहिए गोल रखा है कि हाँ. ये ये बनना है जो ये है वो सही नहीं है जो कर रहे हो तुम तो. हाँ और जो सही नहीं जो कर रहे हो वो भी उसी ने बताया है कि यही करना है कंफ्यूज हाँ. मतलब, कर मतलब, है. मैं प्रॉब्लम भी खड़ी करूंगी और फिर उसका सोल्यूशन भी बताऊंगी yeah. ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया वही है कि मैं बनाऊंगा और फिर मैं उसे खत्म भी करूंगा यही तो हो रहा है ना हो रहा है हाँ क्रिएशन में तो वही हुआ है ना कि मैं बनाऊंगा और फिर मैं खत्म भी करूंगा तो वही कर रहे हैं। खत्म करने के बारे में भी उसमें था स्टैंड। देखिए, मैं तो सुना तक नहीं हाँ तो, उसमें वो न्यूक्लियर इन सब में बताने वाले थे वो जैसे ना इनहेरेंट एक इनहेरेंटम्पन कर सकते हैं जैसे ना ये यूजी जिस तरीके से वो बता रहे थे आ, कि इंसान ऐसा करेगा कि तो मरेगा सबको लेके डूबेगा अच्छा दुनिया को भी दुनिया में सब जो लिविंग है वो सबको खत्म करेगा एक्चुअली आजकल कर जो तुम बता रहे जो तो जो न्यूक्लियर कैपेसिटी है जितनी भी कंट्रीज के पास है अगर वो सबके सब, सब डेटोनेट हो गए तो खत्म ही हो जाएगा सच में ही वो उसी का रेफरेंस दे रहे थे बट हालांकि मैंने एक और एक विकीपीडिया में एक पेज भी है कि कुछ स्टडी किया गया था कि कौन से एंड वर्ल्ड एंड करने कौन सा तरीका आएगा जिसमें न्यूक्लियर नहीं है एक्चुअली कुछ नैनो टेक्नोलॉजी बताया गया था अच्छा नैनो टेक्नोलॉजी से होगा करके सबसे बड़ा थ्रेट जो वैक्सीन में डाला गया है वैक्सीन में यूज किया राइट कोविड तो, वाली हाँ। कि वो बट इट इज बट इट इज ऑर्गेनिक राइट लाइक हाइब्रिडाइज किया ना है तो. हाँ तरफ वो ऐसे बता रहे थे कि ऐसे अभी भी वायलेंट नेचर है सेल्फ डिस्ट्रक्टिव नेचर है और दूसरी तरफ इन्होंने बताया किसी और कॉन्टेक्स में कि तुम लोग जानवरों का प्यार क्या जुटा रहे हो वेजिटेरियन बन के हाँ। जानवर को क्या प्यार कर रहे हो जहाँ पर मिलियंस ऑफ ह्यूम एक्चुअली पता है बीच में बीच में मैंने ऐसे किया था कि मुझे बहुत दुख हो रहा था क्योंकि इतने सारे मैं वीडियोज देख रही थी जिसमें स्लॉटर हाउस और इन सब का दिखा रहे थे कि जानवर को कैसे वो बना रहे हैं पहले तो पैदा कर रहे इतनी गंदी तरह से उनको रख रहे हैं फिर उनको मार दे रहे हैं और वो भी हार्मोन देते हैं जिससे वो जल्दी से बड़े हों और फिर उन्हें मार देते हैं फिर उनका आ, मीट बेच के वो मतलब खिलाया जा रहा है क्योंकि ये बोल के डिमांड इतनी है कि उनको इतना करना पड़ रहा है तो बीच में मुझे ये सब देख के बहुत अजीब सा लग रहा था और मैं वीगन भी हो गई थी फुली अब तो अब दूध और दही मुझे खाना पड़ा क्योंकि बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही थी मुझे वो तो यूजी के कुछ वीडियोस देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे ऐसा लग रहा है जानवर को देख के दुख हुँ. हो रहा है उस जानवर को तो पता ही नहीं है कि कोई और लाइफ भी है जो एनिमल फार्म्स हैं जहां पर वो पैदा होते हैं वहीं पर मर जाते हैं उनको तो शायद दूसरी दूसरा कुछ पता नहीं है ना क्योंकि दुख और ये सब से ही तो आता है एक्सपेक्टेशन कंपैरिजन जैसे जब तुम्हें पता है कि कुछ और भी है तब तुम्हें दुख होता है कि अरे मुझे ये नहीं वो चाहिए ना वो ज्यादा अच्छा लग रहा है करके उस जानवर को तो शायद वो पता ही नहीं है तो ऐसे करके मुझे लगा और वैसे भी वाइल्ड में भी देखो शेर जाके मार देता है दूसरे जानवर को कभी बच्चों को भी मार देता है तो ये सब तो होता ही रहता है दुनिया में इतनी क्रूअल्टी है अब ये अलग चीज है कि अगर मुझे चाहिए नहीं जीने के लिए तो मैं नहीं खाऊंगी वो तो पहले से भी हम लोग वेजिटेरियन ही थे कौन से नॉन वेजिटेरियन तो नहीं थे लेकिन उसमें बताया था उन्होंने क्लियरली उसी में है बताया कि इट्स वेरी क्लियर कि वन लाइफ फॉर्म फीड्स अनदर अदर एक जीविक को किसी और जीवी के ऊपर डिपेंड होना ही पड़ता है खाना ही पड़ता है उसको कंज्यूम करना ही पड़ता है इसका मतलब ये नहीं है इतना सिंपल नहीं है हाँ। कि उसको एक फॉर्मूला बना के नहीं रख सकते हो की यूजी खुद वेजिटेरियन है हाँ। कुछ ये नहीं करते बोला था उन्होंने कि मैं भूखा तो किसी को मार के खा लूंगा वगैरह फिर कई और उन्होंने बोला कि मैं तो भूखा ही नहीं होता हूँ <laughs> तो उनको तो कैचअप नहीं कर पाओगे तुम कभी भी कि उसको एक लिख के दे दिया उसको लेके मैं फॉलो नहीं करूंगा वो नहीं हो सकता है कई लोगों का लेकिन हैंगराउन जो करते थे वो कॉपी करने की कोशिश करते थे यूजी को वो अलग बात है और इन्फ्लुएंस हो गए तुम किसी चीज से कि तुम ब्लाइंडली यू नो फॉलो करना तो आता ही है वो कई सारे चीज अनोइंगली होता है कर लेते हैं और क्या कर ही सकते हैं ऐसा ओरिजिनल थोड़ी कुछ है, किसी वो है तो उसमें लेकिन जो तुम बता रहे थे ना उसमें एक कॉन्ट्रोडिक्टी चीज ये है मुझे एक वीडियो बहुत अच्छे से याद है जैसे तुम बोल रहे हो कि उसको कई और पता नहीं है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो फ्रेम टू तो फ्रेम जिंदगी जीते अथॉरिटी नहीं है मुझे बताने के लिए बट कनेक्टेड भी ऑब्वियसली उसको पता चलता है कि वो उस फ्रेम में प्रीवियस मेमोरी आता है जैसे गाय का जो एक बच्चा आता है उसके पास तो उस फ्रेम में जब ऑपरेट करता है उसको कैसे रिएक्ट करना है उसके लिए आता है उसको कि ये मेरा बच्चा है ये सब है नेचुर हाँ, हाँ, बट शायद ये ना करता है ब्रूड ना कर रहा है कि वो फ्रेम इतना कनेक्टेड है कि फ्रेम बाय फ्रेम नहीं हो रहा है जैसे हमेशा मूवी चल रहा है हाँ। जैसे हमारे दिमाग में हमेशा मूवी चलता है मैं मैं क्या करूंगा नेक्स्ट का भी हैं, आगे आगे सब कुछ कंटिन्यूस रन हो रहा है वो मतलब विदाउट ब्रेक सोने पे भी कंटिन्यूसली रन हो रहा है उसी उसी में लगे वो इसी तरीके के ड्रीम्स भी आ रहे हैं जैसे मेरे को कल रात को अजीब सा ये हुआ कि कल रात को मुझे सपने में आया कि मेरे को गाउट वाला ये हुआ है जो उंगली में और, तो और सुबह हो ही गया था तो बाद में रियलाइज हुआ शायद वही हुआ होगा कि कोई डिफरेंस नहीं है ज्यादा सोने में और और ड्रीम वाला और उसमें तो वही उसको उसने रिले किया हुआ है है बट जानवर मुझे वो वीडियो याद है जो गाय जो है उसको इसमें डाला जा रहा है कैसे डालते हैं उसको एग्जीक्यूशन में ना वो काटने के लिए मारने के लिए एक जगह छोटी सी एक पैसेज में उसको बोलते हैं आगे जाओ आगे जाओ करके उसको धक्का दे रहा फार्मर मना कर रहा है वो और जो दूसरी जगह उसको उसके बच्चे को बेच रहा है उसको पता चल रहा है मैं को बहुत ये कर रही है। तो उस फ्रेम में उसको पता चल रहा है कि अब हाँ। तो की कोशिश कर रहा है तो और तुम बाद में तुम उसको justify कैसे भी कर सकते हो बट इंसान जो करना है एंड ऑफ हाँ, सोच के कुछ नहीं हो रहा है हमें लग रहा है हमें सोच के बहुत अच्छे से डिसीजन लिया है बट तुमको जो चाहिए तुमने वो किया है अब तुम्हें बाद में फिट करना है उसको अपनी बना लेंगे और उसमें जो जो हमें अच्छा लग रहा है वो डाल लेंगे बट यू जैसे जज नहीं कर सकते हैं कि हाइपोथेटिकल हाइपोथेटिकल कभी सिचुएशन को सपोर्ट नहीं करते थे ना जैसे एक कहानी था उसमें कि कहीं पढ़ा था मैंने कि उनके यहाँ कोई गेस्ट आए थे इंडिया में गए थे तो कॉकरोच फ्लश करने वाला याद है <laughs> <ना। laughs> कि करे कि ना करे उन्होंने सोचा और फिर भी फ्लश करके आ गए थे हाँ। तुमने कर लिया तो फिर आप सोचने का क्या अब तो हो गया तो लेकिन अलग नहीं कर सकते जैसे शायद ये स्पेकुलेट कर सकते है कि यूजी का बींग कैसे फंक्शन करता था उनका एक स्टोरी था ना कि कोई अपने बेटे को बच्चे को लड़का शायद पीनेचार या कोई उसको पीट रही है कोई औरत उसकी माँ पीट रही है तो यूजी को लगा कि किसके साथ कि पीटी किया जाए कि जो पीट रहा है जो पीट रही है और खुद इनको लग रहा है अच्छा उनको भी फील हो रहा था। उनको फील हो रहा था वो जो पीट रहे थे करके ऐसे कुछ है स्टोरी बट उनका तो अलग ही है जिस मामले में वो जो एंगर जो है जो औरत निकाल रही थी एंगर रही क्योंकि ऐसे बताया गया कि ऐसे निकाला जाओ एंगर हाँ पीट के क्योंकि रह नहीं देते हो वो डिस हो जाता है नहीं एक्चुअली मेडिकली अभी तुम बोल रहे हो तो मुझे याद पता हाँ। चल रहा है कि मेडिकली बोला जाता है और शायद ये गुरु वगैरह भी ऐसे बोलते हैं कि अपने अंदर गुस्सा नहीं रखना चाहिए <laughs> वैसे भी है और एक और सिखाया जाता था हमारे यहाँ कि जब गुस्सा आता है क्योंकि शॉर्ट टेम्पर है ना हमें जैसे मुझे तो बचपन से शॉर्ट टेम्पर का प्रॉब्लम है बहुत हाँ, तो बताया जाता था कि गिनो कुछ जब गुस्सा आता है तो दस तक गिनो हाँ, हाँ, ये तो बहुत कॉमन है, हाँ, है बहुत कॉमन है, है। काउंट करो दस तक तो गुस्सा शांत हो जाएगा शायद हाँ, वही तरीका है जिसमें बॉडी अपने आप वो आ गया ना लेयर हो गया हैंडल करने का एक देखो एक प्रोग्राम आया है राइट, राइट? तुम ये समझो कि अगर कोई प्रोग्राम मेथड आया है हाँ। कि ऐसे करना है यार उसके अराउंड एक स्टोरी कहानी बन रहा है हाँ। तो, तो वो नहीं है वो। तो वो बॉडी तो को जाने, आने ही नहीं दे रहा है उसके अंदर वो ट्रिगर शायद वो गुस्सा भी ना हो क्या पता वो रियल गुस्सा ना हो वो वो सोशल रिएक्शन हो रहा है वो ना तुम्हें लग रहा है कि तुम गुस्सा फ्रस्ट्रेशन कीस्ट्रेशन तो गुरुजी मुझे लग रहा है मैं चेली बन के ही रह जाऊंगी कुछ सीख नहीं पा रही बात बात का क्रक्स पता नहीं चल रहा है मुझे भी पता नहीं है ना <laughs> तो, गलत पकड़ा तुमने नहीं लेकिन तुमने अभी कुछ पॉडकास्ट पहले बोला था कि अगर तुमने कुछ बोला और मुझे समझ नहीं आया तो वो मेरी प्रॉब्लम है तुम्हारी नहीं <laughs> मेरा तुम्हारा क्या बता नहीं रहा था मैं लिसनर के बारे में बोल रहा हूँ हाँ था, लिस्नर भाई सुनने वाले का प्रॉब्लम है बोलने वाले का नहीं है

बताते बट अगेन कितना ये हो चुका है ब्रेन वॉशिंग की साइंटिस्ट साइंस से आया तो अच्छा ही होगा टाइप हा ना क्योंकि साइंस और ह्यूमैनिटी हैंड इन हैंड करके फॉर द ग्रेटर गुड करके उसको मार्केट किया जाता है ना साइंस को कि साइंस में हर एक्सपेरिमेंट ह्यूमैनिटी के लिए किया जा रहा है मानव जाति के लिए मानव जाति की प्रसिद्धि के लिए किया जा रहा है हर चीज अब देखो इंडिया जैसे अभी कुछ ऑयल वेल well मिल गया है इंडिया जा रहा है कहीं और कुछ पता नहीं ब्लैक होल स्टडी करने के लिए कुछ उन्होंने भेजा है मतलब मैं वही कह रही हूँ कि साइंस को ये करके इतना सारा पैसा इतना सारा पोल्यूशन और ये सब हम इसलिए उसमें डालते हैं क्योंकि वो इसलिए कि हमारी मानव जाति के लिए हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है जैसे इतनी सारी दवाइयां हैं यू नो सर्जरी वगैरह जरी हमें काफी फायदा वैक्सीन वही लेकिन कॉमन सेंस जो है ये बोलता है कि हमारे यहाँ कहावत था नाम है कि जो पेट के लिए कुछ नहीं है और छोटी में जैसमिन क्या बोलते हैं अच्छा गजरा लगाया हुआ गजरा लगाया हुआ है कि पेट में में खाने था. को खाना था. नहीं और हाँ. गजरा लगा तो प्रायोरिटी ह्यूमंस का ऐसा ही है कि जैसे ए? मुझे हमेशा लगता था कि तुम इतने गरीब देश हो अगर तुम देश का तुमने कॉन्सेप्ट बनाया तुम क्यों इतना पैसे बर्बाद कर रहे हो सब चीजों में जो यू नो स्पोर्ट्स खेलना है ये खेलना है वो खेलना है और एक तरफ बोल रहे हो कि यहाँ मर रहे लोग ये ये सब तमाशा है फील गुड करने के लिए कोई रियल इंटेंशन नहीं है जैसे वो इसलिए है कि इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा तो लॉजिक हो गया ना जस्टिफाई करने के लिए ऑब्बियसली बट इज डूइंग द डिसीजन ऐसे नहीं की इंडिया करके कोई एंटिटी नहीं है हाँ, इंडिया करके उसका खुद का थॉट नहीं है राइट हाँ, िटी right, right, हाँ, yeah, के लिए ऐसा है रेडिकल ला नहीं सकते तुम ऐसा। कोई डिक्टेटर का आके बंद करना पड़ेगा तो राइट तो बचपन में मुझे लगता था कि अरे हम लोग इतने सारे गरीब है पैसे नहीं है हमारे पास हुँ. गरीबी है ये है तो हम लोग इसके लिए कैसे पैसा है हमारे पास इन सबके लिए जैसे मेरे घर में अगर हुँ. खाना नहीं है चार चार लोगों चार लोग हैं हमारे यहाँ खाना नहीं है दो तीन लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है अगर सच में तुम ऐसे हम लोग बता रहे हैं वसुदेव कुटुंब काम करके ये सब बताया गया कि सब फैमिली है हमारा दुनिया में ये सब बकवास जो बना रखा है आइडियाज उसको सब हिपोक्रेसी है ना क्योंकि भूखा है तो मैं ये तो पार्टी तो नहीं थ्रो करूंगा ना मेरे पास जो तीन रुपए है उसको लेके वो <laughs> तो कॉमन सेंस है तो कॉमन सेंस है नहीं क्योंकि इट गोज बैक टू द पॉइंट जो रिलेटेड एक्सैक्टली यही बता रहे थे पुलिस मैन पुलिस मैन हाइड्रोजन बॉम्ब ये हाइड्रोजन बॉम्ब इज एन एक्सटेंशन ऑफ पुलिस मैन वो बता रहे थे ना कि हाइड्रोजन बॉम्ब जो न्यूक्लियर बॉम्ब इसलिए बनाया गया है टू प्रोटेक्ट जिसके पास है और जिसके पास नहीं है जिसके पास है उसी के लिए कानून हमेशा कानून बना है जिसके पास है उसके लिए कानून बना है हाँ. जिसके पास कुछ नहीं है उसके लिए नहीं बनाया वो हाँ उसके लिए तो बिल्कुल नहीं है उसको तो सजा देने के लिए हाँ क्योंकि वो आके छीन ना ले वो गलत है राइट हाँ। वो गलत है जिसके पास नहीं वो छीन नहीं सकता है वो गलत है वो वो गलत है उसको जाके मेहनत मेहनत करके करके कुछ हाँ, करके वो कभी चैलेंज नहीं होगा वो हाँ। आ, बहुत सारे कहानी बताया गया है कि मेहनत का फल मीठा है वगैरह है तो वो अलग एक और टॉपिक है यू नो ब्रेन वॉशिंग कितना चलता है कि बट कंफर्म करना पड़ेगा सोसाइटी से उसी में एक और था वो बता रहे थे कि सोसाइटी जो है तुरंत निकाल के फेंक देता है अगर ऐसा कोई आदमी रिबेल करेगा अगर रिबेल भी नहीं अगर वो करेगा नहीं अगर फिट नहीं, नहीं होगा हाँ क्योंकि काम कर ही नहीं सकता है सोसाइटी फेक देगा उसको है भाई ना काम करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है इसलिए तुम अपना आलसी बंद करो समझे <laughs> गुरु जी <laughs> लेकिन सारे गुरु तो आलसी ही है मुझे लग रहा है याद है तुम सदगुरु क्या एक बार ही गए थे और वो आराम से थर, सब ठंड में मर रहे हैं बाहर दर्शन के लिए और वो कहीं कही उठ के आ रहे हैं नो आलसी नहीं। है वो देखो आलसी तुम्हें क्या पता क्यों लेट आए वो आलसी नहीं था वो दैट वॉज एक्चुअली वेरी बेसिक कर्टसी नहीं हुआ मुझे लगा अच्छा। की जैसे यूजी का एक था की बेसिक ह्यूमन कर्टसी जैसे हंस के कभी स्महल करके बोलते थे आई टेल गेट आउट करके तुम्हें बोल सकता हूँ कर्टसी के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ करके हंस रहे थे किसी को देख के तो, तो बड़े देखने ए, में मर रहे हैं हाँ. है, और तुम अंदर अपने कमरे में कुछ करके तुम बाहर वीडियो में कुछ ट्रांसमिशन कर रहे हो ये क्या है महान आदमी हो तुम तुम्हारे पास बहुत सारे सिद्धियां हैं और तुमने क्या क्या किया है और तुम ठंड नहीं ठंड में नहीं बाहर भी है ना ये सब है ठंड में फिर बाद में कुछ ऐसे ऐसे करके आई डोंट नो फुल स्टोरी नहीं पता है क्या पता कुछ चेले थे जो जिन्होंने उनको घेर रखा था की गुरु जी आप बाहर मत जाइए ठंड लग पता नहीं आई डोंट नो बट मैं ये कह रही हूं कि इस सबसे मुझे बड़ा गुस्सा आया तो मेरा गुस्सा जो आया उस, उसका रिएक्शन मेरा था की मैंने छोड़ दिया <laughs> <सौकर। laughs> तुम तो पहले ही नहीं छोड़े थे <laughs> <laughs> नहीं लेकिन जैसे तुम भाग कर गए हुए थे मैंने हाँ। तो बोल दिया था मैं नहीं जाऊंगी और तुम सुबह सुबह उठ के और वहां मेरे लिए तो एडवेंचर था उस दिन का कुछ करने के लिए कुछ था नहीं और पुलिस का टिकट भी मिल गया था स्पीडिंग टिकट स्पीडिंग टिकट अलग मिल गया तुम्हें और ये भी और वहीं पर सब लोग आया तो सबका वो पूछ रहा है तुम्हारा क्या है बताओ तुमको क्यों मतलब सेम स्क्रिप्ट तो सिर्फ उसमें एक डिफरेंट था कि टीनेजर लड़का आया था उसको कुछ और केस था उसको बहुत उसने लेक्चर दिया क्योंकि वो रियल में वो उसको समझाने की कोशिश कर रहा था कि बहुत लोग मरते है तो हमारा लेकिन कॉमन था कि सब ये लोग थे इंडियंस थे सुबह सुबह तीन बजे भाग रहे थे तो पता नहीं चलता है अर्ली मॉर्निंग है कोई देख नहीं रहा है पता नहीं चला ऐसे बहुत लोगों को हुआ वही योगा योगा करके सब लोग बोल रहे थे तो बेसिकली दो तीन सौ का डॉलर का टिकट भरते हुए है सुबह तीन बजे उठ के घंटों भर पता नहीं कहाँ कहाँ से ड्राइव करके आए थे लोग और ऊपर से उनको टीवी मॉनिटर दिखा दिया आगे नहीं बढ़ पाया मैं उस कि में हम लोग बैठे और कोई और अंदर आराम से गर्म बैठे और <laughs> कोविड के टाइम भी था ना कोविड भी तो था कि शायद... <laughs> <laughs> नहीं मेरा ये था कि तुम आप भी बाहर आना पड़ेगा आपको भी <laughs> हम लोग आपको भी बाहर आना पड़ेगा <laughs> <laughs> वही बहुत ज्यादा हो गया ना जलसी <laughs> जेलसी हो गई तुम्हें बेकार में वही एंगर था कि नहीं आज कोई भी इमोशन नहीं था आ, वही सेम है मुझे लग रहा है वो <laughs> <अब्रस्मेंट> थी क्या <laughs> <laughs> बैरसमेंट तो नहीं थी वो सब एंगर इमोशन सेम ही लग रहा है मुझे है ना सब सेम सब है सेम जो है। अलग अलग कलर लेके जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं इसीलिए इन्होंने बनाया बनाया ना पॉजिटिव नेगेटिव वाला लोगों ने कुछ उसको कलर देके बट सब एंड ऑफ द डे वही है हैप्पीनेस अनहैप्पीनेस पे रिलेटेड हो रहा है वो और कंटिन्यूसली हमें हैप्पीनेस चाहिए जो यूजी बता रहे थे और उसी में रियल एंगर तो एक्सपीरियंस हुआ ही नहीं <laughs> उसी में अभी तक रियल एंगर क्या है पता नहीं चला लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ की जो यूजी बोल रहे हैं कि एंगर होता है तो वो स्टमक से शुरू होता है हम क्या हम क्या वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं अगर मतलब अगर हम एक्सपीरियंस करेंगे तो हमें तुरंत उसे डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा या बताना पड़ेगा उन्होंने उसमें बताया कि यू कैन नॉट यू कैन नॉट बिकॉज हमारा नॉलेज इंटरफेरेंस इतना ज्यादा होगा कि नहीं होगा तुमसे नहीं होगा तुम सुना तुमसे हो पाएगा, पाएगा। <laughs> चलिए खत्म करते हैं फिर <laughs> फिर हम पता नहीं क्या बात कर रहे हैं मैं साफ सी बात यह है कि आप कुछ भी कर लीजिए गुस्सा आपको वो जो रियल वाला गुस्सा है जो यूजी कृष्णमूर्ति ने उस दिन समझाया एक कोई घंटे के वीडियो में वो हम लोग नहीं गिव हाँ गिव अप करके उन्होंने समझाया था मतलब जाने दो वो हम नहीं एक्सपीरियंस कर सकते हमें क्रोध असली में क्रोध क्या है और हमारा शरीर उसे कैसे संभालेगा वो हमें कभी नहीं पता चल सकता है तो चलिए फिर अब अगली बार किसी और टॉपिक पे बात करेंगे तब तक के लिए नमस्कार